उज्जैन पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार सिंह व कलेक्टर आशीष सिंह, निगम आयुक्त सुशील सिंघल की मौजूदगी में एडिशनल एसपी रुपेश द्विवेदी व अमरेंद्र सिंह के नेतृत्व में सीएसपी पल्लवी शुक्ला, एसडीएम राकेश मोहन त्रिपाठी, नगर निगम व पुलिस प्रशासन की टीम के साथ मंगलवार सुबह विराट नगर पहुँचे। विराट नगर में हिस्ट्री शीटर बदमाश इमरान उर्फ बिल्ला का अवैध मकान गिराने की कार्रवाई शुरू की गई। बदमाश इमरान पर थाना चिमनगंज में 30 आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं, साथ ही इस पर 10,000 रुपए का इनाम भी है। इस कुख्यात बदमाश पर बलात्कार, जान से मारने का प्रयास, चाकूबाजी, जुआ सट्टा, लोगों के साथ मारपीट, रुपए छीनना जैसे अपराध पंजीबद्ध हैं। जिला बदर की कार्रवाई भी की जा चुकी है। इमरान लंबे समय से फरार चल रहा है। यहां कार्रवाई करने के लिए तहसीलदार पूर्णिमा सिंह जी, सीएसपी एके नेगी, निगम उपायुक्त सुबोध कुमार जैन, थाना प्रभारी जितेंद्र भास्कर, मनीष मिश्रा, राममूर्ति शाक्य, प्रकाश वास्कले, मुनेंद्र गौतम, जे आर बर्डे सहित पुलिस प्रशासन व नगर निगम का अमला बड़ी संख्या में मौजूद रहा। हिस्ट्री शीटर गुंडों और बदमाशों के खिलाफ पुलिस प्रशासन की मुहिम लगातार जारी रहेगी। कलेक्टर आशीष सिंह व एसपी मनोज कुमार सिंह ने बताया कि गुंडों, बदमाशों व कुख्यात अपराधियों के खिलाफ मुख्यमंत्री की मंशानुसार लगातार कार्रवाई की जा रही है। आगे भी यह कार्रवाई जारी रहेगी। अब किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। यहाँ पर पुलिस प्रशासन की बड़ी कार्रवाई देखने को नजर आ रही है। गुंडों के प्रति लगातार कार्रवाई की जा रही है। यहाँ पर भूमाफियाओं के खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। किस प्रकार की आगे की कार्रवाई रखेगी? देखिए, मध्य प्रदेश शासन माननीय मुख्यमंत्री जी का स्पष्ट निर्देश है कि जो भी माफिया है, जो भी गुंडे हैं, सख्त कार्रवाई करने का निर्णय माननीय उज्जैन जिले के जो नाम चिन्ह गुंडे हैं, जिनका शहर में आतंक है, जिनका खिलाफ रिपोर्ट करने लोग डरते हैं, जिन्होंने अवैध संपत्ति अर्जित करी है, उनको हम लोगों ने चिन्हित किया है। उसी क्रम में आज गुंडा बिल्ला के खिलाफ हम लोग या उसकी अवैध संपत्ति, कमाई हुई संपत्ति को दुरुस्त करने का काम कर रहे हैं। इस गुंडे के खिलाफ करीब 30 अपराध पंजीबद्ध हैं। हत्या का प्रयास, रेप, एक्सटॉर्शन, मारपीट, घर में घुस कर मारपीट करना, सारे अपराध सामने। ये गुंडे के खिलाफ 10,000 का इनाम भी घोषित है और ये इसके खिलाफ रासुका भी दिया हुआ है। अभी पिछले मई के महीने में से बहुत गंभीर अपराध किया है, जिसे क्षेत्र में आतंक का माहौल बना हुआ है। तो माननीय मध्य प्रदेश शासन की मंशानुसार इसकी जो अवैध कमाई है, उस कमाई से जो इसने अर्जित संपत्ति और घर मकान बनाया है, उसको नष्ट करने का हम लोग प्रयास किए हैं, ताकि इसके आर्थिक कमर टूट सके, आगे कोई वारदात न कर सके।